नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद से राजस्थान की राजनीति में एक कयास बहुत तेजी से लगाया जा रहा है और वो ये कि वसुंधरा राजे की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। और ऐसा यूं ही हवा में नहीं कहा जा रहा है, इसके लिए बाकायदे एक आधार है। क्या है वो आधार, आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल मोदी कैबिनेट में राजस्थान से 4 सांसदों को जगह मिली है, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया गया है। पहले अटकलें ये लगाई जा रही थीं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। दुष्यंत झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र से लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुष्यंत सिंह की तुलना में गजेंद्र सिंह शेखावत को तवज्जो दी और सियासी जानकार अब इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते भजन लाल शर्मा को अब मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है और वापसी हो सकती है महारानी की, वसुंधरा राजे की। और शायद यही वजह है कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। वसुंधरा राजे कैंप के नेता फिलहाल खामोश हैं। सियासी जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी से 11 सीटें छीन ली और बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा दिया और माना जा रहा है कि अब जल्द ही भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कई वरिष्ठ विधायकों को उसमें जगह मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे के कद जैसा कोई नेता फिलहाल नहीं है और जानकार बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से बीजेपी से राजपूत नाराज हो गए हैं। राजपूत बीजेपी के परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजपूत और गुर्जरों के वोट बीजेपी को उतने नहीं मिले जितनी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि राजपूतों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी नेतृत्व महारानी की वापसी करा सकता है। वसुंधरा राजे सभी समाज की एक सर्वमान्य नेता के तौर पर पहचान रखती हैं। जानकार बता रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार मंत्री बनाने से ये भी साफ जाहिर है कि वो फिलहाल राजस्थान नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, प्रदेश की राजनीति में नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान ये अटकल भी थी कि शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सरप्राइज देते हुए बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को ये पद सौंप दिया और वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत एक दूसरे के धुर विरोधी समझे जाते हैं, लेकिन कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद से महारानी की वापसी की अटकलों को खूब बल मिला है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।